आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ सीएम योगी ग्रामीणों से जनसंवाद भी स्थापित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम रामपुरा विकास खंड इकोर के ग्राम एरी रामपुरा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आएंगे। इस दौरान वो ग्रामीणों के साथ जनसंवाद स्थापित कर और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस समारोह का आज आयोजन हो रहा है, जिसमें शिरकत करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जालौन जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनता से रूबरू भी होंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे और कई अहम बैठकों में शामिल भी होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक दिवसीय दौरे पर आज रहेंगे जालौन में। सीएम योगी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह में शिरकत करेंगे, लोगों से रूबरू होंगे और जिले की व्यवस्थाओं को देखेंगे, जायजा लेंगे, साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही सीएम योगी जनसंवाद करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और साथ ही ग्राम रामपुरा विकास खंड डकौर के ग्राम एरी रामपुरा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। ग्रामीणों से रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई समस्या, किसानों की समस्याओं को जानेंगे। तो महत्वपूर्ण दौरा है जालौन का, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी है, समारोह है उसका आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें शिरकत करने जालौन पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार अपने दौरों की वजह से चर्चा में भी रहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, हमेशा एक्शन मोड में नजर आते हैं या फिर अपने दौरों की वजह से जाने जाते हैं। तो वहीं एक दिवसीय दौरे पर जालौन में रहेंगे सीएम योगी। आज कई कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के और उनमें से एक है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह में शामिल होना, लोगों से रूबरू होना, उनकी समस्याओं को सुनना, खासतौर से जालौन के ग्रामीणों को, जालौन के ग्रामीणों से बात करना ये अहम है। जनता से रूबरू होंगे, जनसंवाद करेंगे। और इस खबर में हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है आज सीएम योगी आदित्यनाथ के एक दिवसीय दौरे पर, आज जालौन में रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है? जी शिखा, आपको बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री का आज एक दिवसीय जालौन यात्रा है। इस दौरान आपको बता दें कि वहाँ वो जालौन जाएंगे, साथ ही साथ की दो सभाएं वहाँ पे आयोजित है, उन सभाओं में जाएंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ठीक 10:30 बजे वो लखनऊ से जालौन के लिए प्रस्थान करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि रामपुर जालौन में उनका हेलीकॉप्टर 11:35 पे जाएगा और वहां प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्राम सभा में बैठक करेंगे, ग्राम सभा के लोगों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कुछ ऐसे अवार्ड भी है जो वहां के जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ऐसे पुरस्कार भी देंगे जो तमाम ऐसे पंचायती राज के प्रतीक चिन्ह भी देंगे। आपको बताना चाहेंगे शिखा कि आज के इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आज सभा के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल तरीके से जुड़ेंगे और डिजिटल माध्यम से वो जनता एवं अपनी बातों को डिजिटल तरीके से करेंगे और रूबरू होंगे। उसी क्रम में आपको बता दें कि पंचायती राज आज दिवस के अवसर पे योगी आदित्यनाथ वहां की लोगों से समस्याओं को की बात करेंगे, साथ ही साथ समस्याओं के निदान पे बात करेंगे। वही आपको बता दें कि कल वहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा था और आपको बताया मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले जल शक्ति मंत्री वहां दौरा था, जहां वो सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको नीतियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने को लेकर वहां पहले से काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे से ठीक पहले आला अफसर पूरे जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको दुष्ट पूरे कड़ा कर दिए गए। साथ ही साथ जो वहां की डीएम है रंजन निरंजन, उनकी तरफ से तमाम ऐसे
जो गांव है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना है, उन जगहों का दौरा करके और साथ ही साथ जो कार्यक्रम का जायजा है वो विगत 2-3 दिनों से लिया जा रहा है और कार्यक्रम के लिए पूरा जालौन की जनता तैयार है। मुख्यमंत्री का आपको बता दें कि आज ठीक है 12 बजे वहां से राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम की सहभागिता में जम्मू से कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आपको बताएं कि 1 बजे वहां से रामपुर के जालौन से निकलेंगे और ठीक 2:30 बजे वो फिर वापस लखनऊ आएंगे। जी जी, अगर बात करी जाए लखनऊ कार्यक्रम की, जब 2:30 बजे लखनऊ आ जाएंगे तो उनके लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं विभांशु? जी शिखा, आपको बता दें कि आज लखनऊ के अंदर में पंचायती राज दिवस के अवसर पे उनके कई कार्यक्रम लगे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री ऐसे तमाम जगहों पे जा सकते हैं जहां पे आयोजन किए गए हैं पंचायती राज दिवस के अवसर पे, तो साथ ही साथ जालौन के बाद वो लखनऊ के अंदर में भी ऐसे कई सारे आयोजन होंगे जहाँ वो जाएंगे और साफ तौर पर आज पंचायती राज दिवस जो की महात्मा गांधी की तरफ से बनाया गया था इस दिवस को पे तमाम ऐसे जगहों पर जाएंगे और सरकार की नीतियों को साथ ही साथ जो ऐसी समस्याएं हैं उस पे निदान को लेकर बात करेंगे। वहीं आपको बताएं कि जालौन में वो जन जन से बात करने का कार्यक्रम भी उनका रखा गया है जिसमें वो जो आम जनमानस से बात करेंगे और उनसे समस्याओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ ऐसी चीजों बात करेंगे कि जैसे सरकार की जो नीतियां जो योजनाएं चल रही है वो कहां तक के जनता तक पहुंच पा रही है और अगर देखें तो उनकी समस्याओं को वहां से नोट करेंगे, क्योंकि जालौन अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के राजधानी से थोड़ी दूरी में पड़ता है अन्य जिलों से, तो खास तौर पे योगी आदित्यनाथ का यही एक सोच रहेगा कि जो राजधानी से योजनाएं निकल रही हैं उसको हर एक जिलों में आसानी से पहुंच सके, इसी क्रम में जालौन का यात्रा आज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में मैं संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो हर एक दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम होता है और आज जालौन का दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि राष्ट्र पंचायती राज दिवस समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें शामिल होने सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं जा रहे हैं, वो जनता से संवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे। फिरोजाबाद में आजकल बेसिक शिक्षा विभाग के उपाध्यक्ष की सेटिंग का खेल चल रहा है जिसका खुलासा लगातार प्राइम टीवी कर रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल, वहीं आज जब हमारी टीम एक ब्लॉक के एक नगला नोझर के प्राथमिक विद्यालय में 8 बजे के करीब एक शिक्षक स्कूल का ताला खोल रही थी, तो जिसके बाद हमारी टीम ने शिक्षिका से लेट होने की वजह पूछी तो वो आग बबूला हो गई और हमारी टीम के साथ अभद्रता करने लगी और पत्रकार का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। वहीं गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर पत्रकार को बंधक बनाते हुए जान से मारने की भी धमकी दी और जिसके बाद महिला शिक्षिका अंकिता ने कवरेज करने गई टीम पर दुपट्टा खींचने छेड़खानी करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। रियलिटी चेक में शिक्षिका बौखलाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम पहुंची है तो किस तरह से अभद्रता करी जा रही है, साथ ही गंभीर आरोप भी टीम पर लगाए गए हैं। शिक्षिका अंकिता ने कवरेज करने गई टीम पर दुपट्टा खींचने छेड़खानी करने का आरोप लगाया है और सिर्फ इस बात से नाराज नजर आ रही है शिक्षिका कि स्कूल का ताला देर से खुला है, देर से आने की जब वजह पूछी गई तो उससे वो नाराज हो गई। तो लगातार हम स्कूलों की हालत आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे काम होता है, किस तरह से वो चाहे मिड डे मील हो या फिर स्कूल पहुंचने का समय हो, बच्चों की पढ़ाई हो या फिर उनसे करवाए जाने वाले काम हो, हर चीज पर हम नजर रखते हैं और जनता तक हर चीज पहुंचाते हैं। तो वहीं अब ये खबर जो सामने आ रही है फिरोजाबाद से, उसमें बेसिक शिक्षा विभाग की पोल खुलती हुई नजर आ रही है जहाँ अध्यापक में सेटिंग का खेल चल रहा है जिसका खुलासा लगातार प्राइम टीवी कर रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल आज भड़की हुई नजर आई। ब्लॉक के एक नगला नोझर के प्राथमिक विद्यालय में जब 8 बजे के करीब एक शिक्षिका स्कूल का ताला खोल रही थी जिसके बाद हमारी टीम ने शिक्षिका से लेट होने की वजह पूछी तो वो आग बबूला हो उठी और जिसके बाद काफी ड्रामा देखने को मिला है।
हाई वोल्टेज ड्रामा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जब लेट आने की वजह पूछी गई तो शिक्षिका आग बबूला हो गई, गंभीर आरोप लगाए, गांव वालों के साथ मिलकर टीम को कैद करने की भी कोशिश की। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव कुमार जुड़ चुके फिरोजाबाद से। संजीव, पूरा मामला क्या है, शुरुआत से बताइए। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 जो नीति है जिसमें विद्यालयों का रियलिटी चेक है, अफसर टाइम से अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये जब रियलिटी चेक करने के लिए प्राइम टीवी की जब टीम एक विद्यालय नौझर में पहुंची तो वहां विद्यालय में ताला लगा हुआ था और 8 बजे से ज्यादा का समय हो चुका था। जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक से टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि अब वो थोड़ा लेट हो गए किसी कारण से, और उसके बाद उन्होंने दरवाजा ताला खोला और हम लोग जैसे ही अंदर गए उसके बाद एक शिक्षिका, दबंग शिक्षिका अंकिता यादव आती है, वो अपनी स्कूटी खड़ी करती है। जब मैंने उनसे ये पूछा कि मैम आप इतनी लेट क्यों हो गई है, विद्यालय का समय 7:30 बजे का है, तो वो भड़क उठी, उन्होंने मुझे कवरेज करने के दौरान मेरा मोबाइल छीन के तोड़ दिया और साथ में मेरे पीछे मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागी। तभी उन्होंने फोन करके दबंग यादव वहां के प्रधान को रंजीत यादव को बुला लिया, उन्होंने आते ही ये कहा कि तुम 2-2 कौड़ी के पत्रकार हो, तुम यहाँ पैसे मांगने आए हो, हमारे ऊपर आरोप लगाया और हमें मिट्टी का तेल पेट्रोल डालकर आग के हवाले करने की धमकी दी और विद्यालय में हमें बंधक बना लिया। जी संजीव, अगर बात करें जाए स्कूल के समय की तो विद्यालय का समय कितने बजे से है? 7:30 बजे तक विद्यालय में शिक्षकों को पहुंचना होता है, लेकिन ये शिक्षक इतने नाकारा हो गए हैं, कोई 8 बजे पहुंच रहा है, कोई 9 बजे पहुंच रहा है, कोई 11 बजे पहुंच रहा है। इसी मुहिम पे लगातार प्राइम टीवी की मुहिम ये लगातार चल रही थी, इसमें आधा दर्जन से अधिक शिक्षक निलंबित भी हो चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक शिक्षकों के खिलाफ नोटिस भी जारी हुआ है और इसी बात से शिक्षक चिड़े हुए हैं कि हम लोग ये सच्चाई क्यों दिखा रहे हैं। जी, जब ताला खुल रहा था विद्यालय का तो क्या वहाँ पे छात्र भी मौजूद थे बाहर इंतजार करते हुए? विद्यालय के बाहर बच्चे इंतजार कर रहे थे, अंदर कोई बच्चा नहीं था, ना ही मिड डे मील की कोई वहां व्यवस्था थी, सिलेंडर का पाइप कटा हुआ एक तरफ पड़ा हुआ था, केवल विद्यालय के जो शिक्षक थे वो लगभग 1/2 किलो लौकी बमुश्किल लेके आए थे। हमने पूछा कि इसी से मिड डे मील बनेगा तो बोले आपको इससे क्या मतलब है, आप कौन होते हैं, हम तो ऐसे ही 10 बजे आएंगे 11 बजे आएंगे, हम दबंग यादव हैं, और मेरे साथ ये जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, मेरी टीम के साथ मारपीट भी की और हमारे पास जो अपनी सेविक जो कुछ पैसे थे वो भी उन्होंने छीन लिए हमसे। जी, और क्या कुछ अव्यवस्था विद्यालय में देखने को मिली संजीव? विद्यालय की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सभी कमरों में ताला लगा हुआ था, शिक्षक आराम से मोबाइल चला रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मीडिया की कोई टीम आई है तब उन्होंने वो ताला खोला है, वरना वो सामने बैठ के आराम से एक दुकान पे गप्पे मार रहे थे आराम से। जी, तो उस वक्त सारे छात्र कहाँ पे थे? कुछ बच्चे बाहर खड़े हुए थे, हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया, बच्चे ऑन कैमरा बोलने के लिए कोई तैयार नहीं थे, उनकी दबंगई इतनी ज्यादा है, पूरा गांव यादवों का है, तीनों टीचर यादव हैं, प्रधान भी यादव हैं, पूरा इतनी दबंगई है कि वहाँ कोई उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता है। जी, तो क्या बच्चों के परिजन भी कुछ नहीं कहते, जिस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, तो इसमें क्या परिजन कुछ कहने को तैयार नहीं हुए? देखिए ग्रामीण एरिया में क्या है, ये वो जो एरिया है पूरा यादव बहुमूल क्षेत्र है, वहाँ पूरी तरीके से यादवों का गढ़ है, उनके डर की वजह से वहाँ कोई बोलने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है, अगर कोई बोल पाता तो हमारे साथ इस तरीके की अभद्रता नहीं होती, हम पुलिस के आने से बच गए, नहीं तो हो सकता है कि वो हमें पेट्रोल छिड़क के हमारे ऊपर आग ही लगा देते वो लोग। जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर कौन कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कितनी देर तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा? देखिए वहाँ कम से कम 2-3 घंटे तक ये मामला चलता रहा, पुलिस को सूचना दी तब पुलिस आई, उसके बाद वो लोग हमें थाने लेके आए, हमारे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है और साथ में हमसे उन्होंने आरोप लगाया कि हमने उनसे 20,000 रुपए की मांग की है, जबकि ऐसा ये सारे दोनों आरोप निराधार हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं तो कैमरा चलाते हुए उस शिक्षिका से दूर भाग रहा हूँ, जबकि वो शिक्षिका मेरे पीछे भाग रही है मुझे मारने के लिए। जी, अगर बात करी जाए बीएसए की तो क्या उनसे कोई बात हो पाई है? क्योंकि हमारी टीम ने भी उनसे बात करने की संपर्क करने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।
मैंने बीएसए से बात करने की कोशिश की, वो लगातार फोन नहीं उठा रही है, फोन काट रही है। ये सब गोलमाल है ये। इसी तरीके से ये सब अफसरों और शिक्षकों की दोनों की सहमति से ये सब काम हो रहा है लगातार। जी संजीव, जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, जिस तरह से विद्यालय का हाल पूरा बेहाल है, तो क्या यहाँ पे एक्शन होना चाहिए? क्या सरकार द्वारा एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सरकार द्वारा एक्शन इसमें होना चाहिए। ये शिक्षक लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा का वेतन पाते हैं। सरकार इनको 50,000 से ज्यादा का वेतन देती है ताकि शिक्षा में सुधार किया जा सके, बच्चों को पढ़ाया जा सके, बच्चों जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सके, उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन ये जितने भी शिक्षक हैं, इन्होंने अपने अपने संघ बना रखे हैं और ये सारे संघ, कल थाने में भी लगभग 8 से 10 संघ मौजूद थे। जिस समय इन्हें स्कूल में मौजूद होना चाहिए था, उस समय ये लोग थाने का घेराव कर रहे थे, हमारे खिलाफ। जी संजीव, जो ये हाल चल रहा है विद्यालय, क्या ये रोज का यही हाल है? क्या रोज ही देर से स्कूल का ताला खुलता है, बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, शिक्षक बस आते हैं, हाजिरी लगाते चले जाते हैं? देखिए, बहुत सारे स्कूलों का इसी तरीके का हाल है। इसी में से नौझर ये भी विद्यालय इसी तरीके का है। 10-11 बजे तक हम लगातार इस मुहिम पे काम कर रहे हैं, लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं, जिसपे बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने संज्ञान भी लिया है। आधा दर्जन से अधिक शिक्षक सस्पेंड भी हो चुके हैं और इसी बात से शिक्षक हमसे खफा है और इसीलिए हमारी टीम पे कल उन्होंने हमला किया। जी संजीव, हम ये जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं और जब ये पूरा ड्रामा हो रहा था तब वहाँ पे कितने शिक्षक मौजूद थे और उस वक्त भी कितने शिक्षक नहीं पहुंचे थे विद्यालय? इस विद्यालय में 3 सहायक अध्यापक हैं और 1 शिक्षा मित्र है, जिसमें 1 अंकिता यादव सहायक अध्यापक हैं, जो कल लगभग 8:15 बजे के बाद आई। आने के बाद जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने ये दबंगई दिखाई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर दोबारा यहाँ पर नजर आए, वो ये कह रही थी, अगर आप लोग यहाँ नजर आए तो आपको मैं मिट्टी का तेल डलवा के आग लगवा दूंगी। इस गांव में सब यादव रहते हैं और दबंग यादव हैं हम लोग, डरने वाले नहीं है। मीडिया 2-2 कौड़ी की इधर आती है और हम और ऐसी मीडिया को हम लात मार के भगा देते हैं। जी संजीव, और इस खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से बीएसए अंजलि अग्रवाल जी भी जुड़ चुकी है। अंजलि, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है विद्यालय में, जिस तरह की स्थिति है, इस पे आप क्या कहेंगी? पूरे घटनाक्रम की हमने बीओ से जानकारी मांगी है। उस समय घटना स्थल पे ना तो मैं थी ना कोई खंड शिक्षा अधिकारी था। इस संबंध में जो भी कल घटना घटित हुई है उस पर मेरे द्वारा आख्या मांगी गई है। आख्या में जिसका भी दोष होगा उसके खिलाफ उसी क्रम में कार्रवाई की जाएगी। जी अंजलि जी, जिस तरह से शिक्षिकाओं द्वारा पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, ये 1-2 घंटे तक पूरा ड्रामा तो चलता ही रहा है, आखिर दिनों भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, समय से शिक्षक पहुंचते नहीं है, तो बच्चों की पढ़ाई पे सीधे तौर पर असर पड़ रहा है, तो इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, विद्यालय खुल रहे हैं और सारे विद्यालय खुल रहे हैं और ऐसा नहीं है शिक्षक स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। अगर किसी एकाध विद्यालय में ये केस हो रहा है तो जैसे उसमें संज्ञान में आता है तदनुसार कार्रवाई की जाती है। और जिस घटना की आप बात कर रही हैं, उस घटना के समय हम प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वहां पे नहीं थे, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैंने बीओ से आख्या मांगी है। उनकी आख्या प्राप्त होने के बाद और संबंधित थाने से जानकारी करने के बाद, संबंधित प्रधान से जानकारी करने के बाद, गांव वालों से जानकारी करने के बाद, क्या पूरी स्थिति वहां पर हुई थी, क्या घटना घटित हुई थी, क्या वास्तविकता थी, ये सब सामने आने के बाद उसके क्रम में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ बीएसए अंजलि अग्रवाल जी जुड़ी थी फिरोजाबाद से। तो सीधे तौर पे यहाँ पे बात कही गई है कि एक्शन लिया जाएगा, जो भी आरोपी होगा उसके ऊपर सख्त एक्शन लेने की बात बीएसए ने कर दी है। और जिस तरह से लगातार स्कूलों में रियलिटी चेक किया जा रहा है प्राइम टीवी के द्वारा, तो उन पे संज्ञान भी लिया जा रहा है, जहाँ पे शिक्षक समय से नहीं पहुंच रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उन सब चीजों को लेकर लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है। संजीव, बीएसए ने हमसे बात करी और कहा है कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी, अब किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबूतों के आधार पे अगर कार्रवाई होगी तो प्राइम टीवी की टीम के पास सारे सबूत मौजूद हैं, सारे वीडियोस मौजूद हैं जो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा भी रहे हैं, और अगर कोई जांच टीम गठित की गई है तो हम उनको भी ये सारी की सारी वीडियोस देने के लिए तैयार हैं। प्राइम टीवी ये चाहता है कि इस पे
निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी संजीव, गांव में दबंगई देखने को मिलती है। अभी आप ही ने कहा कि वहां पे कोई कुछ बोलना नहीं चाहता ऑन कैमरा, लेकिन बीएसएन ने कहा है कि वहां पे सभी से बात करी जाएगी, उनके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अपना बयान नहीं देता है तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, अगर कोई अपना बयान नहीं देता है तो उसमें सीओ साहब के पास, सीओ जसराना के पास ये जांच है, वो निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि वहाँ सारे टीचर्स यादव हैं, पूरा गांव यादवों का है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर वो अपने ही समाज के खिलाफ क्यों जाएंगे। दूसरी बात क्या है, वहाँ प्रधान दबंग है, उसके साथ उससे लोग डरते हैं, इसलिए वहाँ सब लोग उसकी सपोर्ट में ही खड़े होंगे। जी बिल्कुल, कार्यवाही का आश्वासन दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिरोजाबाद से जो ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि एक तो पहले शिक्षक समय से स्कूल नहीं पहुंचते, उसके बाद गांव में दबंगई भी देखने को मिलती है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी हो रहा है। लेकिन इसमें एक सराहनीय पहल ये देखने को मिली है कि बीएसए की तरफ से ये बयान सामने आया है, जितने भी आधार है लोगों से जांच करी जाएगी, पूछताछ करी जाएगी, उसके बाद जो परिणाम निकल के सामने आएंगे, जो गवाह सबूत निकल के सामने आएंगे, उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे नहीं आश्वासन दिया है और तस्वीरें भी प्राइम टीवी लगातार दिखा रहा है किस तरह से अभद्रता करी गई है टीम के साथ। और जब फैक्ट चेक के लिए हमारी टीम पहुंची तो उस वक्त आग बबूला होते हुए शिक्षक नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।